स्वागत है आप सभी का भारती टेक चैनल पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय कुमार भारती। तो आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूं कि इनकम आप रिचार्ज फॉर यू में कैसे कर सकते हैं और इसके जो नए पैकेजेस आए हैं वो क्या हैं। तो उन सभी को हम यहां पर डिटेल में जानेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गूगल क्रोम ब्राउजर है, इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फाइनली सर्च करने वाला हूँ रिचार्ज फॉर यू यानी कि RFU ऑनलाइन सर्विस। तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ऊपर पहला जो वेबसाइट आपको दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं यहाँ पर पैकेजेस की बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई अपडेट जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं इसमें पैकेजेस की बात करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम, अबाउट, पैकेजेस, लीगल, कंटेंट्स, साइन इन और साइन अप। तो वेबसाइट को मैंने फाइनली ओपन कर लिया है। तो चलिए मैं यहाँ पर पैकेजेस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद फाइनली आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं यहाँ पर पैकेजेस की बात करने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर पैकेजेस की बात कर लेते हैं। तो पहले पैकेज की बात करें तो आपकी जो पुरानी वेबसाइट थी उसमें आपका 499 रुपए का पैकेज था, लेकिन अब जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार आपका 500 रुपए का पैकेज है। इसमें आपको एक PV मिलेगा। अच्छा, PV का मतलब होता है आपका पॉइंट वैल्यू। तो एक पॉइंट वैल्यू की जो कीमत है वो 100 रुपए होती है। तो इसमें 500 रुपए कैपिंग यानी कि 500 रुपए का आप रिचार्ज करवाएंगे तब आपको क्या होगा कि 249 रुपए वाला मोबाइल रिचार्ज मिलेगा और नेक्स्ट 11 मंथ तक आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको देखनी है, तो इसको आपको देखना होगा आराम से। तो ये हो गया हमारा पहला पैकेज यानी कि पहले पैकेज की हमने बात की है इसके अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं दूसरे पैकेज की। तो दूसरे पैकेज में आप देख पा रहे होंगे ये पैकेज है 1000 रुपए का अभी, लेकिन पहले क्या था, यह पैकेज 999 रुपए का था। अब इसमें आपको 2 पॉइंट वैल्यू मिलूंगी यानी 2 पॉइंट वैल्यू की मतलब होती है कि इसमें आपको 200 रुपए मिलेंगे। अब इस पर आप रिचार्ज करवाते हैं तो 249 रुपए का आपको रिचार्ज मिलेगा, उसके साथ ही आपको नेक्स्ट 11 मंथ तक इसके साथ रिचार्ज मिलता रहेगा। तो ये हो गई पैकेज नंबर 2 की बात। अब बात कर लेते हैं पैकेज नंबर 3 की बात। तो ये पैकेज आपका 2000 रुपए का था, लेकिन पहले ये पैकेज आपका था 1999 रुपए का। तो इस पैकेज के अनुसार आपको 3 पॉइंट वैल्यू मिलेगी यानी कि आपको 300 रुपए मिलेंगे। यानी कि इसमें क्या होगा कि 300 रुपए का DTH जो रिचार्ज है वो आपको दिया जाएगा। तो काफी सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया कि DTH रिचार्ज कैसे करते हैं, तो ये भी आपका उसी तरीके से होता है और आपको नेक्स्ट 11 मंथ तक ऐसा ही रिचार्ज मिलता रहेगा। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके आप प्ले स्टोर में और प्ले लिस्ट पर जाके पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जो रिचार्ज फॉर यू की पुरानी साइट थी उसमें क्या प्लान थे और जो नई साइट है उसमें क्या प्लान है। अच्छा, ये तो बात हो गई सारे पैकेजेस की। अच्छा, बात कर लेते हैं हम बाइनरी इनकम वगैरह की कि इसमें हम इनकम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनली इनकम की। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी इनकम की। तो बाइनरी इनकम की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है कि बाइनरी इनकम इज 100 रुपी पर पेयर। तो 100 रुपी पर पेयर के हिसाब से मिलेगा और एक पॉइंट वैल्यू की वैल्यू होती है 100 रुपए। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो पहले बाइनरी यानी कि फर्स्ट बाइनरी बराबर इसमें दिया है आपका 1:2 और 2:1। तो इसके हिसाब से आपका बाइनरी जो फर्स्ट बाइनरी होगा वो चलेगा। फिर कह रहा है कि 2 डायरेक्ट कंपल्सरी फॉर गेटिंग बाइनरी इनकम। तो 2 जो डायरेक्ट कंपल्सरी मतलब बाइनरी है यानी कि आपको लेना ही पड़ेगा, यानी लेफ्ट और राइट जो है वो 2 आपके लिए कंपल्सरी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें क्या कर रहा है कि डेली क्लोजिंग, और डेली क्लोजिंग भी इसमें होता है। अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी इनकम की, ये कैसे होता है आपका। तो यहाँ पर आपके 3 टाइप्स दिए हैं फ्रेंचाइजी इनकम के। पहले में बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेंचाइजी बाइनरी इनकम इज 600 रुपी पर पेयर। तो यहाँ पर कह रहा है कि फ्रेंचाइजी बाइनरी इनकम जो है वो क्या कह रहा है कि 600 रुपए पर पेयर के हिसाब से आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही शानदार प्लान है। नेक्स्ट इसमें और भी कह रहा है कि फ्रेंचाइजी बाइनरी कैपिंग इज
600 रुपीज़। तो इसमें 600 रुपीज़ कह रहा है फ्रेंचाइजी बाइनरी कैपिंग के हिसाब से, और ये भी डेली क्लोजिंग होगा। दूसरा कह रहा है, अब फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर की बात करें तो इसमें कह रहा है फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर इनकम इज 250 रुपये, और ये भी डेली क्लोजिंग होगा। यानी कि फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर अगर है तो उनका जो इनकम होगा 250 रुपये के हिसाब से चलेगा। आगे बात करें तो कह रहा है वॉलेट परचेस इनकम, वॉलेट अगर आप परचेस करते हैं तब, यानी कि जो फ्रेंचाइजी यानी कि आप जब ले लेते हैं तब आपको क्या होगा कि फ्रेंचाइजी विल गेट 2% ऑन वॉलेट परचेस। अगर आप फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं तब आप किसी को पिन देते हैं तब आपको उस पर 2% का इनकम भी मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। फिर आगे कह रहा है कि रीपर्चेस बाइनरी ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि रीपर्चेस बाइनरी इज 5%। अगर जो बाइनरी है उसको रीपर्चेस करते हैं यानी कि दोबारा से जब परचेस करते हैं तब उस पर 5% का आपको बोनस मिलेगा। फिर कह रहा है रीपर्चेस बाइनरी इनकम इज वैलिड ओनली 100 रुपी रिचार्ज वॉलेट, तो ये 100 रुपये यानी कि 100 रुपये के रिचार्ज पर ये वैलिड होगा और ये भी आपका डेली क्लोजिंग होगा। आगे बात करें कि इसमें विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है। तो अभी मैं बात करूँ तो एक बंदा था तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने पूछा मुझसे कि सर जो बाइनरी इनकम होता है यानी कि जो इनकम होता है उसको विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने फाइनली बताया कि उनके अकाउंट में कुछ पैसे थे लेकिन जैसे मान लेते कि उनके अकाउंट में 1000 रुपये थे, तो उनको 1000 रुपये नहीं मिले, कुछ कम मिले थे। तो क्यों कम मिले थे, उसका रीजन ये है कि आपको टैक्स भी देना पड़ता है, यानी कि जो विड्रॉल आप करते हैं उसका चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि 11% जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। 5% आपका TDS कटेगा और 6% आपका एडमिन चार्ज कटता है, इसीलिए उनको कम मिला था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि जैसे आपके वॉलेट में अगर 1000 रुपये तो 1000 आपको नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे, क्योंकि आपको 11% जो चार्ज है वो देना पड़ेगा। तो ये थे बाइनरी इनकम, यानी कि बाइनरी इनकम, फ्रेंचाइजी इनकम और रीपर्चेस बाइनरी और विड्रॉल से रिलेटेड चीज़ें, और आपको पैकेजेस की जो जानकारी थी उसको यहाँ पर मैंने बताया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। कब मिलेंगी, जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।